इज गुड वाइब्स रोज ही फेस ग्लो सीरम नो पैराबेन एंड नो सल्फेट। हाय, मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का रोज ही फेस ग्लो सीरम। हिप सीरम इज अ नेचुरल वेरी ग्रेट एक्सफोलिएटर, आप सोच नहीं सकते ये एक्सफोलिएटर का बहुत अच्छा सा काम करता है। एंड ये जो है हमारे स्किन के डेड स्किन सेल्स को एंड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड इसके अलावा हमारे स्किन में नेचुरल ग्लो को इंस्टेंटली इन्हेंस करता है। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं 1 वीक तक, तो इसका आप रिजल्ट देख लेंगे। मैंने इसको यूज़ कर लिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ इसका बॉटल, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 से 6 डेज तक यूज़ कर चुकी हूँ मैं। इसका बॉटल फुल पूरा पैक था एंड ये इतना ख़त्म हो चुका है। तो ये जो है आप 1 वीक तक यूज़ करेंगे तो इसका आप रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं। मैंने परचेज कहाँ से किया है? सो गाइज, मैंने इसको परचेज किया था मीशो से एंड यू कैन इमेजिन गाइज, मैंने इसको 139 रुपीज में इसको मीशो से परचेज किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके इसे आप परचेज कर सकते हैं। एंड ये जो है 30 ml की ये बॉटल है एंड इसकी पैकेजिंग वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड ये टूटेगा फूटेगा नहीं, बट मुझे स्टार्टिंग में लगा था ये शायद ये जो ग्लास का होगा, बट ये ग्लास का नहीं, एक्चुअली ये हार्ड प्लास्टिक है। सो ये इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो चलते हैं वीडियो में, इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये किस टाइप की स्किन के लिए है एंड इसको कैसे लगाना है एंड इसको लगाने से एक्चुअली इसका बेनिफिट क्या होता है एंड इसके साइड इफेक्ट्स भी क्या होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम गुड वाइब्स रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम का बेनिफिट जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है एंड इसके बाद में कुछ साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगी, तो वो चीज़ मिस मत करना। इसको यूज़ करने से पहले इसका साइड इफेक्ट एंड इसका बेनिफिट दोनों जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपने स्किन के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये सीरम जो है जोजोबा ऑयल इसमें होता है, विच इज़ वेरी एक्सीलेंट फॉर हाइड्रेटिंग ऑयली स्किन। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली रखेगा एंड हाइड्रेटिंग रखेगा। एंड मैं आपको बता दूं कि ये हेल्दी एंड हाइड्रेटेड ग्लो दैट लास्ट अ लॉन्ग टाइम एंड क्वाइट लाइट, नो ऑयलनेस एंड वेरी 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 गुड फॉर योर स्किन एंड अ लाइट वेट नॉन ग्रेसी फॉर्मूला दैट इन्हेंसेज योर स्किन एंड आपकी स्किन को ब्राइटर एंड ग्लोइंग बनाने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। गेट अ हेल्दी एंड नेचुरल ग्लो विद दिस रिवाइटलाइजिंग सीरम, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुड है हमारे फेस के लिए। एंड ये हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है सुपर क्विकली एंड ये आपको बता दूं मैं ट्रेवल फ्रेंडली है, क्योंकि ये बॉटल ग्लास की नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हो ये बॉटल जो है हार्ड प्लास्टिक का है, ग्लास बिल्कुल भी नहीं है। बट इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि ये एक्चुअली में ग्लास का बॉटल है, बट ये ग्लास का बॉटल नहीं है। तो फिर ये ट्रेवल फ्रेंडली भी हुआ, लाइट वेटेड है एंड आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत अच्छे से एंड इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है, प्राइस भी अच्छी है। तो ओवरऑल ये थी स्किन, ये था हमारे इस फेस सीरम का बेनिफिट्स। तो चलते हैं अब इसका हम आपको साइड इफेक्ट्स भी दिखाते हैं। तो गाइज, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मैं बता दूं एनी ओवर यूज़ कैन लीड टू स्किन इम्बैलेंसेस, ड्राइनेस एंड इवन एक्ने और पिंपल। अगर आप बहुत ज़्यादा इसका ओवर यूज़ कर लोगे तो फिर आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी स्किन में जो है पिंपल हो सकते हैं एंड आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये ड्राई का काम करेगा। सो ज़्यादा इसका यूज़ बिल्कुल मत करना, वरना आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाएगी। इसके साथ साथ और भी स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि हमारे इचिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन में रेडनेस हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकता है एंड इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है जब इसका ओवर यूज़ करेंगे। बट अगर आप इसका रेगुलर और नाइट में सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं तो इससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बाकी इसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, दिखाते हैं कि इसका यूज कैसे करना है और कब करना है। तो सिर्फ आप रात में लगाना, क्योंकि अगर 2 बार आप इसको यूज करते हो डे एंड नाइट में तो इससे आपकी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि इसका ओवर यूज हमारे स्किन को हार्म कर सकता है। तो इसका तो मैंने आपको साइड इफेक्ट बता दिया अगर आपने ओवर यूज किया तो सिर्फ इसको नाइट में यूज करना। नाइट में यूज करने के लिए सिर्फ आपको फेस वॉश करना है एंड फेस वॉश के बाद आप डायरेक्टली इस सीरम को यूज कर सकते हैं अपने स्किन में। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड बहुत ज्यादा अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। यू कैन सी गाइस, ये आपकी स्किन में बहुत ही प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड इसको लगाने के बाद आप अपनी स्किन में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जरूर लगाना, इसके बाद ये पूरा प्रॉपर अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड ओवरनाइट आप रखना एंड 1 वीक तक कंटिन्यू आप अगर इसका यूज करते हो तो आप देखना आपकी स्किन में क्या क्या
चेंजेस आते हैं क्योंकि ये एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी स्किन में एनहेंस करता है ग्लो को एंड आपकी स्किन में ब्राइटनेस को भी हेल्प करता है। एंड इसके साथ साथ आपके स्किन में जो भी डेड स्किन सेल्स हैं डलने से आपकी स्किन में, वो भी ये खत्म करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इसका रिव्यू कैसा लगा मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको पसंद आया हो तो। एंड इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक ज़रूर लाइक करना और ऐसे और हेल्पफुल रिव्यू के लिए एंड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।